वजीर इत्तला नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के बारे में जो भी सोशल मीडिया पर गलत मनगढ़ंत और झूठी खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ सिंध से तासुब बरत रही है, सिंध के आवाम के साथ नाइंसाफी की जा रही है। विफाकी तरक्याती मंसूबों में सिंध को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर आजम सिंध को महरूम करने की बजाय उसे हक दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आजम को शिकायतों भरा खत लिख दिया। कराची में पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के मुकम्मल न होने से मुतालिक खदशात का इजहार कर दिया। सिंध के लिए तरक्याती बजट बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। पानी का बड़ा मसला आने वाला है। अभी से सूबे कहने लगे हैं कि उनका पानी चोरी हो गया, आगे जाकर पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। माहौलियात के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का 80% पानी ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्क पानी के बहरान से मुतासर होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान कौमी सलामती के मुशीर को आईना दिखा दिया। कहा कि पाकिस्तान पर तोहमत लगाते हुए शर्म करो, अपना रवैया बदलो, ज़बान को लगाम दो, वरना पाकिस्तान तुमसे बात करने का भी रवादार नहीं होगा, ना ही कोई पाकिस्तानी हाथ मिलाएगा। अफगान कौमी सलामती का मुशीर अमन दुश्मन का किरदार अदा कर रहा है, अमन के क़याम में रुकावट डाल रहा है, बेहतर होगा अपना रवैया बदल लें। टिकटॉक स्टार हरीम शाह के खिलाफ लाहौर के थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि हरीम शाह की हवाई फायरिंग से खौफ हरास फैला। हरीम शाह की फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। रहीम यार खान, घोटकी, लाड़काना, नौशहरो फेरोज और कनकोट समेत कई इलाकों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जोब और शेरानी में तूफानी बारिश और झालाबारी। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जंबहाग। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान। और माहौलियात के आलमी दिन पर कराची के फ्रेयर हॉल को रोशनी से सरसब्ज कर दिया गया। के एम सी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए मुस्तहकम रवैया अपनाना होगा।